हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप? सभी लोग हो? सारे भाई बढ़िया होंगे। तो भाई मैं अभी अपने होटल पे हूँ यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल काला पीला हो रहा है, तो मशीन अपनी खोल रखी है मैंने, आधी खुली है, ठीक है। तो आधी आज खोल देंगे। ये भाई मैंने जो हेड का जो कवर है वो हटा दिया था, और जो भी बोल्ट थे वो हटा दिए हैं। अभी इसका हेड उतारना है, सारी इसकी पाइप वाइप खोल दिए, पंप वाला आने वाला डीजल पंप, इसको करवाऊंगा रिपेयर, और इसकी जो इंजेक्टर भी रिपेयर होंगे, अगर फॉल्ट हुआ तो कर देगा रिपेयर। बाकी पंप तो होना ही रिपेयर, इसके अंदर दिक्कत आ रही पंप के अंदर। और जो हेड है भाई, हेड को उतार के उसके बाद ही फिर पता चलेगा कि पिस्टन के अंदर अगर प्ले हुई, चैम्बर खोलना पड़ेगा नीचे से, और जो भी इसके बोल्ट होंगे पिस्टन के वो खोल के और पिस्टन निकालने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे से अकेले से उतरेगा नहीं ये, ठीक है। तो किसी गाने आने का इंतजार है यहाँ पे, हेड को उतार देंगे। और ये इसका मैंने टर्बो खोल दिया था भाई, देख लो यहाँ से ऑयल आ रहा है, इंटरकूलर की जो पाइप है यहाँ से ऑयल आ रहा है टर्बो में। बाकी ये वाली जो साइड है ये बिल्कुल सही है, एग्जॉस्ट की जो साइड है, और जो इंटरकूलर वाली जो साइड है इसके अंदर से ऑयल आ रहा था। तो इसको टर्बो को भी मैं करवाऊँगा। रेडिएटर और ये ऐसे कैसे रखूँगा यहीं पर, क्योंकि ये उतारने की कोई है नहीं। और ये जो इंटरकूलर है इसको खोल दूंगा, क्योंकि इसकी भी सफाई होनी है इसके अंदर। भाई देख लो इंजन ऑयल भरा हुआ है इसके अंदर, इंटरकूलर के अंदर इंजन ऑयल भरा हुआ है। तो इसको खोल के इसके अंदर डीजल वीजल ढंग से डाल के और इसको क्लीनर से साफ करूंगा अब की बार इसको, ठीक है। कैमरा भी तो पकड़ना पड़ेगा यार किसी ने। लकी गाना है लेवा को मेरा कहने चप्पड़ चप्पड़ तेनू ली आडी रख दे, हाँ रख दे रख दे रख दे, ले छोड़ दे। इसका तो सीट होगी इसकी भाई, ये इसके रिंग की हालत है। एक ये पिस्टन, एक थोड़ा सा ये वाला पिस्टन, बाकी ये सही है बिल्कुल, ये भी सही है, ये खराब है थोड़ा। प्लेयर तो है ही ना बिल्कुल भी, देख रिंग सही है उसकी, वजह तो ये वो हो रहा है, वाल खराब होगा तो उसका भी मेन जो वो हुई है वो उसकी वजह से ही हुई है, हेड को वाल खराब होगा भाई। हेड की हालत भाई ये हो रही है, यहाँ से इसकी जो वाल है भाई ये दो, एक दो तीन, ये तीनों खराब है, ठीक है। ये देख लो यहाँ से ये, ठीक है भाई। सीट जो है इसकी ये ख़राब होगी इसकी, और इंजेक्टर पे भी थोड़ा फर्क आया है इस पर। तो भैया अभी चल रही है भाई सफाई इसकी, जो अपना ब्लॉक है इसका, ठीक है। और भाई जो मेन प्रॉब्लम थी ना वो ये थी कि इसका जो वाल है ये वाले सिलेंडर का, तीसरे सिलेंडर का वाल है जो हेड का, वो ख़राब हो गया था इसका, ठीक है। पिस्टन के अंदर कितना रस्ट आ रहा है ये देख लो, इसके अंदर इसमें भी थोड़ा कम है, ये भी सही है बिल्कुल, ये भी सही है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा हो रहा है। और भाई ये इसलिए हुआ है कि टर्बो खराब होने से ना जितना भी ऑयल आ रहा था ना, वो जो इसकी एयर आ रही थी, एयर के साथ साथ ऑयल आए, इंजन ऑयल, उसके साथ मिट्टी आई। ये देख लो फिर ये हाल हुआ है इसका, पिस्टन का एयर फिल्टर है, कुछ डेली की डेली साफ किया जाए, ठीक है। भैया जी आज का व्लॉग था भाई बस इतना ही, ठीक है। और आज की जो मैंने काम किया है मशीन के अंदर वो भाई इसकी जो जितनी भी सफाई थी ना वो कर दी है इसकी। पर भाई इसमें अभी भी एक और दिक्कत है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी जो स्लीव है भाई वो कटी हुई है, ये देख लो यहाँ से ये दिख रही है ना, ये यहाँ कैमरे के अंदर ही आ रही है, ठीक है। तो अभी इसको डीजल पंप का भी मैंने करवा दिया, इंजेक्टर भी इसके कम्प्लीट हो गए हैं। तो अभी इसको सिर्फ रह रहा है इसका एक तो पिस्टन रिंग्स और इसकी जो स्लीव, ये रह रहा है, ठीक है। देखते ही इनको भी अगर ये खोलना होगा तो कल खोल दूंगा, ठीक है। कल मिलते हैं आपको एक और ब्लॉक के साथ।